लाइट खोल दो प्लीज। बारिश खोल दो सुनिए भाई, जंगले खोलिए भाई, जंगले खोलिए, बंद कर दो, बंद कर दो, ना 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 ले खोल देगा, खोल देगा, ये चेयर उठा ले, चेयर उठा ले, करो सर। अच्छा दंगी जी सर, मीटिंग आज की किस वजह से आज हमारी अभी जो बैठक हो रही है उसमें जो आगामी नगर पालिका नगर परिषद चुनाव निमित्त बैठक संपन्न हो रही है, सभी हमने जो चुनाव हो रहे हैं उन स्थानों के एक एक प्रभारी तय किए हैं, वो सभी प्रभारी बुलाए, सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बुलाए हैं, उनके साथ साथ हमारे सारे मिनिस्टर जो सीनियर मिनिस्टर्स अनिल विज जी हैं, गौरपाल जी हैं, जे पी दलाल जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, कमले भांडा जी हैं, संदीप सिंह थोड़ा लग प्रकाश यादव हैं, कुमारी लाल जी हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, साथ में कुछ मेरा स्वयं का रामलीला जी का नेताओं के टूर रखे हैं, हर नेता 5-6 नगर पालिका में जाएगा और दिन भर वहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेगा। इसी तरह से बाद में दूसरी कड़ी में हम जो सांसद हैं हमारे, उनके संसदीय क्षेत्र में उनका टूर रखने वाले हैं, वो भी इसी तरह से नगर पालिका नगर परिषदों में जाएंगे और उसके लिए जो है इस चुनाव की दृष्टि से अपना टूर करेंगे, तो ये आगामी योजना उसकी बना रहे हैं। अभी जो मैं कहूँगा कि हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी अमृत महोत्सव है, जिस प्रकार से हमने जय हिंद बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती सभी गांव और वार्डों में मनाई थी, उसके बाद लाला लाजपत राय जी की जयंती हर जिला हेडक्वार्टर पर मनाई थी, तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान दिवस 27 फरवरी को है और वो हर विधानसभा में उनके हम जो है ये बलिदान दिवस मना रहे हैं। किसान मोर्चा को दायित्व तो सौंपा है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, कल मैं स्वयं मेरे साथ मेरे महामंत्री किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखवेंद्र मांढी जी और कुछ अन्य कार्यकर्ता, हम सब जिसका नाम पहले एल्फर्ड पार्क था, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ नमन करेंगे, भावांजलि देंगे और वहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे, जैसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काला पानी से सेलुलर जेल की वाइपर टापू की मिट्टी आए वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे और हर कार्यक्रम में कुछ सही स्तर की मिट्टी हम हर कार्यक्रम में पहुँचाएंगे। कल वहाँ से हम पहुँच रहे हैं, दोपहर में वहाँ से लाइव भी होंगे और वहाँ से मिट्टी लेकर रात तक वापस पहुँचेंगे, 27 तारीख के कार्यक्रम में ये सब स्थान पर पहुँचाए जाएंगे। उसके बाद हमने युवा मोर्चा को दायित्व सोचा है कि नव मतदाता को जोड़ने का एक काम हमारा युवा मोर्चा चलाएगा, उसको एक टाइम टेबल भी दिया है 5 मार्च से 11 मार्च तक और जो शहीद दिवस है 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो बलिदान दिवस है उस बलिदान दिवस को हमारा युवा मोर्चा हर मंडल 307 मंडल हमारे हैं हर मंडल में उस कार्यक्रम को युवा मोर्चा आयोजित करेगा, युवा लोगों के साथ करेगा। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव को हमने बहुत ही प्राथमिकता पर लिया है और हर महापुरुष जिसकी भी इस तरह से बलिदान दिवस जयंती जो अभी जन प्रकाश में पब्लिक डोमेन में नाम है हम उस नाते से कुछ लोगों का स्थानीय स्तर पर भी हम जैसे लाला फकीर चंद जैन गवर्नमेंट जैन का हमने हांसी में कार्यक्रम आयोजित किया, राजा नहार सिंह का बल्लभगढ़ में आयोजित किया, उनके जो सेनापति थे भूरा वाल्मीकि और गुलाब सिंह सैनी उनका वहाँ आयोजित किया, तो स्थानीय तौर पर भी जो जो ऐसे नाम हैं उनकी कोई तिथि ऐसी इंपॉर्टेंट तिथि आती है तो उसको भी हम उस नाते से वहाँ आयोजित कर रहे हैं, जिनका बड़ा नाम है पब्लिक डोमेन में जाने पहचाने हैं देशव्यापी, उनका प्रदेशव्यापी कार्यक्रम किसी न किसी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने ये माना है कि अमृत महोत्सव के इस साल में
ऐसे सब महापुरुषों को हम नमन करें, हमारा पूरा प्रदेश बार बार नमन करें जिनका इस देश की आजादी में बड़ा योगदान है। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने पहले सूचना पट पर गौरव इतिहास लिखा नेताओं का और अब जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद की तरफ एक अग्रसर होता हुआ कदम है, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है जिस तरह से जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी उनके परिवार आज बहुत दयनीय स्थिति में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप अध्यक्ष है, क्या वो पहले जरूरी नहीं है कि उन परिवारों को सहारा दिया जाए और उनको एक जिस तरह से इज्जत की वो जिंदगी जिसके जिन्होंने शहादत दी थी या देश की जो आजादी की लड़ाई लड़ने में काफी कुर्बानियां दी थी उनके परिवारों की तरफ? देखिए, जितने भी ऐसे परिवार हैं जो आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन अपने प्रदेश में भी है, उनकी जो पत्नियां जीवित हैं उनकी भी है, उनका कोई जिसको मैं कहूँगा कि उन पर कोई आधारित ऐसा बालक है जो अपने आप नहीं कमा पाया किसी कारण से, दिव्यांग या बाकी कुछ रहा है, उनकी भी है, लेकिन अब ऐसी संख्या कम रह गई है क्योंकि उनकी उम्र अब उस नाते से मेरे ख्याल से 6-1 लोग शायद अभी स्वतंत्रता सेनानी खुद जीवित हैं, लगभग 300 कुछ उनकी पत्नियां हैं, कुछ बच्चे भी हैं, ऐसा आंकड़ा सरकार का एक है, और ऐसे जो भी इस तरह के हैं अब जिनकी कई कई पीढ़ियां हो गई हैं, अब उन पीढ़ियों में तो सामान्यतः देखो अपने सामर्थ्य पर ही परिवार एक तरह से चलते हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसी कोई बात ध्यान में आती है और सरकार किसी प्रकार से सहयोग कर सकती है तो निश्चित रूप से। वैसे तो सरकार में कहूँगा कि अब सोशल सिक्योरिटी के मामले में आम जन के लिए भी काफ़ी आगे बढ़ी है, हमारी पेंशन वृद्धावस्था पेंशन जो है वो काफ़ी मैं कहूँगा कि अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है, बहुत राज्य हमारे जैसी पेंशन नहीं दे रहे हैं, 2500 रुपये। अभी मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 22,000 लोग प्रदेश में ऐसे और योग्य लोग हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन बननी चाहिए, तो तुरंत सरकार उनकी पेंशन जो है बनाने के काम में जुटी हुई है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा आयुष्मान से भी एक सोशल सिक्योरिटी दी है 5 लाख तक के इलाज की, और बीपीएल के लोगों को कई तरह की सोशल सिक्योरिटी उनके बीमे के बाकी पैसे आगामी पेंशन के पैसे भर के जो मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल की आखिरी विधानसभा में जो अनाउंस किया था कि हम जैसे 6,000 मोदी जी दे रहे हैं तो बाकी के 6 हम उस प्रकार से लोगों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार खर्च करेगी, जिसमें से आगे की कई सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग में है, कोरोना काल में खर्च भी किए हैं जो है वो ऐसे सरकारों के लिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी का बढ़ता हुआ दायरा, पहले हम पढ़ते थे कि सोशल सिक्योरिटी विदेशों में बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर हम कुल मिला के अब आंकड़ा देखेंगे तो उसमें कवर होने वाले लोग और राशि भी उसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। धनखड़ साहब, पंजाब में पोलिंग हो चुकी है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रही है तो बीजेपी बहुत पीछे है और आप पार्टी और कांग्रेस का ही मुकाबला बताया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पहली बार पंजाब में चुनाव में गई है और बहुत अच्छी वोटिंग बीजेपी के पास में हुई है और बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी, बीजेपी ने तो पहली बार पंख अपने खोले थे, ये तो पहले हम भी ऐसे होते थे वो भी ऐसे होते थे, जब मैंने बीजेपी में काम शुरू किया तो हम भी छोटी पार्टी थी और वो भी वहाँ छोटी पार्टी थे, हमने पंख जल्दी खोले और जल्दी पंख खोलते खोलते हम अपने बरबोते सरकार में आए, अब फिर से गठबंधन में हैं और इसी तरह से पंजाब वालों को इस बात का बहुत आनंद है कि वो एक बड़ी पार्टी के रूप में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है जनता का बिल्कुल पर्याप्त समर्थन मिला है, परिणामों की हम सब प्रतीक्षा में हैं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में सरकार रिपीट होगी कहीं ना कहीं। अगर जैसे कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे कि किसान आंदोलन का बड़ा इफेक्ट इस पे पड़ा है। देखिए, कांग्रेस के अपने बलबूते बेचारे कुछ नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में भी देख रहे थे, लड़की है लड़ सकती है स्लोगन तो था लेकिन लोग नहीं थे, इसी तरह से बाकी स्थानों पर भी कांग्रेस की जो हालत हुई है मुझे तो नहीं ठीक मालूम नहीं है, लेकिन बार बार मैं टीवी पर मीडिया में देख रहा था कि चन्नी साहब की खुद की हालत खराब है और सिद्धू साहब तो वैसे ही अब इधर के या उधर के पता नहीं किधर के, तो उनके लिए तो वो जिस तरह से चले थे, जिस मन से चले थे उस मन से वहाँ तक पहुँचने की बजाय कहीं और पहुँच गए हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो बात आई है कि खालिस्तान समर्थकों का साथ जो आप पार्टी का केजरीवाल का जो संबंध कुमार विश्वास और जो बाकी लोगों का बन गया है वो खतरनाक बात है, उसको उसके लिए सबको चिंतित होना चाहिए कि इस तरह का गठजोड़ जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ जो आदमी हर किसी को धमकी देने का काम मीडिया में हम देते थे, अगर उनके साथ इस प्रकार के संबंध और गठजोड़ की बात हुई है
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और ये खतरे की बात भी है। अध्यक्ष जी, आज वोटिंग से ठीक एक दिन पहले केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से सरकार है, इससे पहले कांग्रेस थी। वो कांग्रेस के शासनकाल में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री बने और अब भी जिस तरह से मुख्यमंत्री है, अगर वो ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी? उन्होंने पटाक्षेप क्यों नहीं किया? इस तरह की बातें अगर वो इस तरह के आतंकवादी हैं, देखिए अगर ऐसे संबंध की बात नहीं, देखिए शब्दों को कभी भी घुमाना नहीं चाहिए। जो दिखली बात है उसी आयाम में कहेंगे तो बात ठीक जगह पूछेगी, ठीक तरीके से पूछेगी। बात को हम सारी को कुछ और कह देंगे। मैंने जो आप कह रहे हो उनको वो नहीं कहा, मैंने संबंध की बात कही जो उनके ही मित्रों ने सबसे पहले कही है। और जब ऐसी बात आई है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी आने वाले समय में अपना काम करेगी। प्रदेश का बजट 1700 करोड़ क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जनता काफी उम्मीदें लगा रखी है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों से मुख्यमंत्री के नाते मशवरा किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी के भी नेताओं ने 1-1.5 घंटे तक उनके साथ चर्चा इस विषय पर की है, अपना मशवरा दिया है। और सभी वर्ग जिसको मैं कहता हूँ, किसान, व्यापारी, छोटे दुकानदार, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, हर सेक्टर के लिए जरूर। और मुझे लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं डिजाइन पर चल रहे होंगे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि जब देश के 100 साल पूरे आज़ादी के तब देश कैसा हो, तो हरियाणा के भी जब 75 साल हुए तो हरियाणा कैसा हो, ऐसी सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि वो अपने बजट की तैयारी कर रहे हैं। और उनका कई बार का तजर्बा हो गया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा बजट जो है। अध्यक्ष जी, शहर की तो संपत्ति है, उन पर 5% जो कलेक्टर ने करूंगा शुल्क लगाया गया है, मेरी चर्चा हुई है। और अभी शायद उस विषय पर हमने कहा है कि ये पहले की तुलना में काफी अधिक हो गया है और सरकार को पुनर्विचार करने का। एक सवाल और है, क्या जरूरत पड़ी तो अकाली दल के साथ बीजेपी पंजाब में जा सकती है? क्योंकि एक बार परिणाम आने के बाद कैसा कैसा मैंडेट आता है, तो आपको जिसको कहते हैं ना हाइपोथेटिकल सवाल पहले कर रहे हो, परिणामों के बाद की कुछ बातें हैं जो परिणामों के बाद। हरियाणा जो है बेरोजगारी, अध्यक्ष जी जिस तरह से आपने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नेताओं की जिम्मेवारी लगा दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में लोगों से ये शुरुआत मिल रही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की अनदेखी की है और विकास के कार्यों से जनता अछूत है, अभी ये राजनीतिक हलकों में चर्चा है, तो क्या इसका स्थानीय निकाय चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संजीदगी के साथ जो है किसान पर काम किया है, इतना अच्छा किसी ने नहीं किया आज तक। कोई सरकार नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ये दावा नहीं कर सकता किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में किसी ने दिए हों, केवल मोदी जी कर सकते हैं। कोई किसान हितेशी होने का कितना ही दावा करें, कोई ऐसा एक व्यक्ति ऐसे सरकार जिसने CACP में ये किया हो कि 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे, कोई एक सरकार जिसने इस प्रकार का बीमा किसानों को दिया हो जैसा इस सरकार ने दिया है, 8,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अकेले हरियाणा में जा सकता है जोखिम प्रबंधन का, तो इसलिए इन सरकारों ने किसानों के लिए बेस्ट किया है, इससे अच्छा किसी ने नहीं किया, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। बिल्कुल अध्यक्ष जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और।